सारी बातें बताऊंगा, मतलब सारी बातें पूछेंगे ओनर से कि मतलब 3 साल के अंदर बंदे ने इस स्कूटर को ओन करा है। और ये प्रॉपर स्कूटर है 3 साल के अंदर भाई, इसको अच्छे खासे किलोमीटर भी चला चुका है। दिखा देते हैं एक बार, 19,771, मतलब ठीक है, इनफ होता है एक अच्छा एक ओनरशिप रिव्यू के लिए। मोटा मोटा 20,000 किलोमीटर कह सकते हैं। तो इतने किलोमीटर चलने के बाद भाई स्कूटर का एक्सपीरियंस कैसा है? और प्रॉपर स्कूटर है भाई, देखो ये आगे इसमें पैर रखने वाला सीन है, जैसे पुराने स्कूटरों में यहाँ पे ये साइड की जो शेप है ना, यहाँ से वो खुलते थे, इसके अंदर डिग्गी हुआ करती थी पुराने स्कूटरों में। और सिंगल साइड इसके अंदर शॉकर भी है, और प्लस जो इसका पूरा जो मतलब डिज़ाइन है ना, प्रॉपर स्कूटर जिसे बोलते हैं वही चीज़ है। तो इसका ओनर है मिस्टर डीडी। हेलो, यहाँ वो लगा दी सीटियाँ स्कूटर के साथ आओ। तो मिस्टर आज पूछेंगे भैया, भाई साहब ने 3 साल हो गए डीडी से, कितने टाइम हो गया? 3 साल कुछ महीने हो गए होंगे। 3 साल कुछ 4-5 महीने का, 3-4 साल मतलब 3.5 साल के करीब कह सकते हैं अप्रोक्स। ठीक है, कितने की पड़ी थी ये? 90 एग्जैक्ट, पूरी 90,000 रुपये की थी है। और 91-92 का, तो मतलब 90-92,000 रुपये में आपको 125cc की यही वाली स्कूटी बढ़िया लगी थी। उस टाइम पर राइवल्स में कौन कौन सी आती थी इसके? इसका तो यार क्या ही राइवल बताऊं मैं, इतना प्राइस इतना इसका वो था, हाई था। और तो नहीं, 125cc में कोई और स्कूटी आती थी उस टाइम पे? हाँ, एक्सेस थी, एक्सेस 125 थी। और हाँ, एंटॉर्क शायद जब तक लॉन्च नहीं हुई थी, आई थिंक वो भी थी, एक्टिवा 125। एक्टिवा, चलो मतलब इतना एग्जैक्ट नहीं हूँ पर हाँ, शायद थी। याददाश्त थोड़ी कमजोर है भाई साहब की, बादाम खाया करेंगे कल से। तो मतलब ऐसा क्या रीजन था जो यही परचेज करी? इससे पहले कौन सी स्कूटी थी? इससे पहले मेरे पे वो थी, लोगों को पता भी नहीं होगा कि ऐसी भी कोई स्कूटी थी, सिग्नस अल्फा, यामा की सिग्नस अल्फा थी। तो भाई साहब उसे बेचने का कोई स्पेसिफाई रीजन या फिर बस ऐसी हवाबाजी में बेच दो? हवाबाजी नहीं, वो थोड़ी ऐसी एग्जॉस्ट सी हो गई थी और मन भी नहीं था उसको ज्यादा चलाने का। हाँ, मतलब ये होगा कि बंदा जब खूब सारी चला लेता तो थोड़ा बोर हो जाता है, कहता चलो अब कुछ नया ट्राई करना चाहिए, है ना? बस वही वाली चीज थी। तो आपको वेस्पा समझ में आई थी? समझ में क्या, मेरा ना पता क्या लॉजिक था इसको खरीदने का। देखो मैं उस टाइम थोड़ा ऐसी था ना समझ सा, मेरे को स्टैंड आउट किड था, किड स्टैंड आउट करना था, सबसे अलग दिखना था। ओहो, तो फिर मैंने ये ले ली, मतलब कुल मिला के भेड़ चाल में नहीं चल गया, कुछ अलग जाना था। मतलब मेरी कॉलोनी में जहाँ मैं रहता हूँ एक भी वेस्पा नहीं है, अभी भी नहीं है, अभी भी ये लगा लो गिनी चुनी एक दो होगी किसी। अच्छा, किसी पे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर मेरी थी और वो भी मैट ब्लैक कलर में। हाँ, कलर अच्छा है इसका भाई, मैट ब्लैक है, देखने में सुंदर लगता है, प्रॉपर स्कूटर है ये, है ना? थोड़ी अभी गंदी गंदी हो रही है वो, तो आईफोन में थोड़े तो फायदा है, गंदी की वो ये छुपा लेता है। बाकी देखो देखने में तो बढ़िया लगती है, बात तो ठीक है, मगर वेस्पा के साथ लोग जल्दी से जाना पसंद नहीं करते, तो वेस्पा के साथ जाने का रिस्क तो ले लिया। कैसी रही फिर ये ओवरऑल चलाने के मामले में? देखो मैंने इसको ये कहूँगा कि ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है और ज़्यादा बुरी भी नहीं है, बाकी एवरेज, जिस प्राइस में मैंने खरीदा था ना, ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं है, ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं है। कुछ तीन बंदा हो तो अलग बात है, पर वही मतलब जैसे तूने भी एक तरीके से शौक में ही ले ली थी, शौक कह लो या हवाबाजी कह लो। तो भाई देखो मतलब ऐसा कहना है भाई साहब का, इसको तो भाई प्रॉपर स्कूटर ही बोलना है, स्कूटी तो है भी नहीं है। अच्छा इसके, और जैसे कि सिग्निस थी वो 110cc थी, 125cc थी, पावर में और थ्रॉटल रिस्पॉन्स में कुछ फ़र्क लगा था तुझे इन दोनों के अंदर? क्योंकि देखो यामाहा भी बहुत स्मूथ है और ये भी बहुत स्मूथ है, कुछ डिफ्रेंशिएट कर पाया था? ये थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथ है, ये ज़्यादा स्मूथ है, ठीक है। और ऊपर से नई भी होगी उस टाइम पे तो थोड़ी लगी भी होगी। वैसे अगर आज के डेट में बात करी जाए तो तुमने से इतना चला लिया और सिग्नेस भी खूब चलाई थी, तो दोनों में स्मूथनेस और रिलायबिलिटी की बात करी जाए तो क्या कहना है? स्मूथनेस इसमें ज़्यादा, रिलायबिलिटी यामाहा में ज़्यादा, ठीक है। और इंजन वाइज के साथ इंजन सिग्नेस अल्फा का मतलब, अभी मैंने जिस बंदे को बेची थी वो मेरा दोस्त ही है, कभी कभी मेरे हाथ वो दोबारा लग जाती है, मिल जाती है, मिल जाती है, तो भाई इस पर तो कॉन्टेंट बनना चाहिए दोबारा। तो जब मैं उसको चलाता हूँ ना, तो मेरे को ऐसा फील होता नहीं है कि मतलब इतनी पुरानी समय के साथ उसके इंजन पे इतना इफेक्ट आया है, लेकिन इसके पे आया है, इसका इंजन जो है दब रहा है थोड़ा चलाने में। मैंने जब अभी राइड रिव्यू लिया था ना, तो वो तो गाइस इसे नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, तब थोड़ा फील हो रही थी कि ये स्कूटी थोड़ी सी दब रही है ना। हाँ, थोड़ा मतलब ऐसा लगता है कि थ्रॉटल ज़्यादा करना पड़ रहा है। अब या तो फिर ये इस वजह से होगा सर्विस नहीं करवा रखी तूने, सर्विस का भी एक बहुत बड़ा इशू है इसमें, मैं बताऊंगा आपको, सर्विस का इशू है बहुत बड़ा, बताई दे लगे हाथ, बताई दूँ तो ये है यार इसकी ना, देखो सर्विस सेंटर भी हर जगह पे नहीं है। हाँ, खरीदने भी मैं इसको दिल्ली गया, सर्विस भी दिल्ली में ही होती है, और रहता तो फरीदाबाद है, कड़कड़ूमा होती है, कड़कड़ूमा तो मेरे घर के पास है, तुझे कितना दूर पड़ता है? कम से कम 45 किलोमीटर पड़ता है। और अगर बाहर के मैकेनिक से करवा लो तो वो ऐसी वारंटी उड़ा देते हैं, चालू काम करते हैं। देखो यार कंपनी वाले तो कंपनी वाले ही काम करते हैं, बाकी बाहर वाले बाहर वाले। वैसे ऐसा कोई ब्रेकडाउन हुआ इसके अंदर आज तक? कोई कमी समस्या परेशानी दिक्कत आई है कभी चलते चलते, या फिर कुछ खड़े हुए लॉन्ग टर्म में? तो मतलब क्या सही है, रिलायबिलिटी कह सकते हैं कि रिलायबल है? ऐसा एक बार हुआ था कि मतलब उसको मैं कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं मानूंगा, कि इसके जो सेल्फ के तार मतलब सेल्फ का वो होता है ना फ्यूज़, वो झटकों से निकल गया था, तो कपलर निकल गया था या फ्यूज़?
कपलर निकल गया था, नहीं चल रहा था, फिर उसको ये नहीं मानूंगा कि कोई वो बड़ा इशू है, प्रॉब्लम नहीं होती ना वो तो नॉर्मली चल निकल गया, वो तो छोटी मोटी बहुत बेसिक सी चीज है, तो देखो लगा ही रहता है, चीजें होती रहती है। ये किसका है मैं बता देता हूँ ड्रॉबैक आपको, जो इसकी मतलब सिंगल सस्पेंशन है आगे की तरफ में, हाँ ये रही ना, वैसे बढ़िया है, रिस्पांस वगैरह भी अच्छा है, हाँ। लेकिन क्या है ऐसी सड़कों के लिए है नहीं जैसे हमारे हिंदुस्तान में, इटली का प्रोडक्ट है ना ये, हाँ इटालियन है, तो वैसे वहीं अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता, मगर वैसे ये है कि सस्पेंशन अच्छी है इसकी, अच्छी है पर दो बार ब्रेक डाउन हो गई है सस्पेंशन, मतलब टेंटू ऐसे ऐसे करने लगे, खराब हो गई थी, चेंज करती होगी, चेंज कराई थी तूने, फिर चेंज करवाई है मैंने, अच्छा करके दिखा लेता हूँ, ला मैं पकड़ूं हेलमेट, वेनमस, अभी तो खैर अभी तो ठीक है, डिक्की का सामान जो वो हिल रहा है ना, हाँ। बाकी देखो यार ठीक है ओवरऑल, अभी तो ठीक है, अभी तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसको चेंज भी करवा लिया ना, वो भी तो है, अंडर वारंटी कराई थी नहीं, कितने में हुई थी इसके शॉकर, ध्यान नहीं, अच्छा आइडिया नहीं है, 1500 लगे थे, मैंने गया था करवाने इसको, अच्छा कोई और गया था करवाने, ठीक है चलो छोड़ो, चलो ये तो इसकी नॉर्मल बात रही, इसको हटाओ, उसके अलावा जैसे इसके ऊपर दो बंदे बैठ के चलते कंफर्टेबल फील होती है, हाँ दो बंदों तक संभाल लेती है, तीन बंदों में इसका दम निकल जाता है, तीन बंदों मगर सिग्निस का नहीं निकलता था, सिग्निस की सीट इतनी लंबी थी हाँ, उसको उस पे सेल्समैन ने बोला था इस पे तीन बंदे बिठा के चलाओ इसको, उस पे तो तीन हम बैठ के घूमते भी थे, बहुत आवारागर्दी करी भी है उसके ऊपर, मस्त चलती थी, तो वो तो भाई बहुत पहले की बात हो गई। ये VXL इसका कोई टॉप वेरियंट है, ये नहीं टॉप वेरियंट नहीं है, VXL यहाँ पे लिखा हुआ है, तो टॉप कौन सा आता था इसमें, ऐसे कोडिंग वाइज नहीं पता, लेकिन टॉप वेरिएंट में इसके आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता था, और स्क्वायर वाली लाइट भी होगी, स्क्वायर वाली लाइट तो क्या सीन था, वो 150 सीसी वाली इंजन में मिलती थी, ओहो वो मुझे इसकी बहुत सेक्सी लगती थी, वेस्पा की ना मिरर का शेप भी स्क्वायर में ही मिलता था, हाँ उसके मिरर भी चेंज थे और ये लाइट भी चेंज थी, और उसमें ना एक चीज और बहुत तगड़ी थी, वो ऑरेंज वाला कलर, भाई साहब एक नंबर कलर है वो, जिसे कहते हैं एक नंबर, मुझे बहुत प्यारा लगता है वो आज की डेट में भी, तो बाकी ये तो इसके अंदर देखो ओवरऑल ये सारी चीजें ओनर ने बताई हैं, तो आज की डेट में आप किसी को रिकमेंड करेंगे कि ये वाली बाय करे, नहीं क्योंकि मैं बता देता हूँ क्यों एक तो ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल जैसे सामान वामान नहीं आएगा आगे, हाँ एक तो देखो अवेलेबिलिटी इसकी मतलब वैसी है कि आपको कहीं कहीं पे इसके आउटलेट मिलेंगे, हाँ तो सर्विस वगैरह के लिए आपको बहुत सरदर्दी होगी, ठीक है अगर देखो जैसे कि मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली विल्ली के रहने वाले लोग हैं तो उन्हें दिक्कत नहीं होगी, आसपास है वो भी मतलब यार मेट्रो सिटीज वालों के लिए मतलब कह सकता है कि तू ठीक है, मतलब जिनकी सड़कें वड़कें अच्छी हैं वो ले लो, क्योंकि सस्पेंशन थोड़े अच्छे हैं बट जवाब दे जाते हैं थोड़े टाइम बाद में, ठीक है और बता देता हूँ थोड़ी सी समय के साथ इसका इंजन दबने लगता है और ओवरप्राइज्ड है, ओवरप्राइज्ड तो हाँ ये बात तो बोली जाएगी ओवरप्राइज्ड है, उस टाइम मेरे को 90 की मिली थी अब तो 1,00,000 पार की है, 1,00,000 से भी ज्यादा क्योंकि अब तो नॉर्मल एंटोर की 1,00,000 की आ रही है, तो ये वर्थ इट नहीं है, तो बाकी मैं एक बात बताऊं गाइस जैसे मैं एंटॉर्क ऑन करता हूं परफॉर्मेंस वाइज एंटॉर्क इससे बहुत तगड़ी है, हाँ, तगड़ी नहीं बहुत तगड़ी बोलूंगा मैं, ये जैसे 60 पे दो बंदे बैठा के मर जाती है ना, एंटॉर्क पे तीन बंदे बैठा दो वो तब भी नहीं मरती भाई, घूम करती हुई भग जाती है, एग्जॉस्ट नोट मुझे अच्छा लगता है, एग्जॉस्ट हाँ एग्जॉस्ट अभी मैं आपको आगे सुनाऊंगा, तो उससे पहले बता एवरेज क्या देती है ये, 40 की, हाँ क्या बात कर रहा है, हाँ 40 की देती है, नॉर्मल चलाने पे दौड़ाने पे ना जैसे मैं लोकल वगैरह में चलाता हूँ, अच्छा थोड़ी थोड़ी मतलब बाहर भी ले जाता हूँ, तो ऐसे मिक्स से एवरेज लगा ले 40 की दे देती है, बाकी इसके सर्विस सेंटर पे मैंने एवरेज टेस्ट करवाया था दो बार, दोनों बार 40 का ही आया था, वो उस पे खड़े करके जो वो रेस देके जो करते हैं वो वाला, एक लीटर की बोतल लटकाई थी इसमें, अच्छा प्रॉपर टेस्ट करा था, अच्छा 40 की एवरेज तो फिर तो अच्छी है, एवरेज सही है, बाकी फीचर्स के मामले में इसमें क्या आता है एक बार वो दिखा दे, ये इसका भाई मीटर देखो ऐसा आता है यहाँ पे, इस पर बड़ा बड़ा वेस्पा लिखा रहता है देखो यहाँ पे, बैकलेट है ये थोड़ा और इसमें आ जाता है आपका डिस्प्ले, सिंपल सा ये है ना, हाँ ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ नहीं है, इसमें किलोमीटर आ जाते हैं, नीचे टाइम आ जाता है वो अभी खराब मतलब वो रखा है, और ये डिजिटल यहाँ पे आप लोगों को पेट्रोल नजर आता है, हाँ। और ये टॉगल कहाँ से होता है भाई, यहाँ पे इसके अंदर मोड का बटन आता है, यहाँ पे ये किलोमीटर वगैरह आप ट्रिप लगा सकते हो, करिए जरा दबाइए मोड का बटन, ये ट्रिप है, ट्रिप हो गई, ट्रिप भी है, ट्रिप भी हो गई, ये टोटल है, ट्रिप एफ भी आती है जब इसके अंदर वो लग जाता होगा रिजर्व, ट्रिप एफ आती है नहीं आती है, और ये हैलोजन लाइट जो है ये इसका क्या कहना है, रिस्पांस कैसा है, लाइट सही है, रिस्पांस अच्छा है, मगर यार ये हीट बहुत ज़्यादा हो रही है, देखिए छुई भी नहीं जा रही है, बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, बंद ही करते भैया, तो बाकी देख लो यार ओवरऑल जो ये वेस्पा स्कूटी तो मुझे लग रहा है अच्छी है, मतलब देखने में ये कह रहा है कि ठीक है एवरेज है, बहुत जो सिलेक्टेड लोग हैं ना बस वही लें इसको जिनको शौक है, थोड़ा सा मतलब सोच रहा है ना मैं डेली चलाऊंगा मेरा काम निकल जाएगा, हाँ तो ये गलत फहमी मत रखना, और इसकी सीट कंफर्टेबल है, नहीं है सीट सही है, ओके ओके है, तो बूट स्पेस दिखा दे एक बार इसके अंदर कितना आता है, आगे वाला जो स्पेस है भाई वो तो नाम के लिए, उसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था आपको अभी दिखाऊंगा, तो कितना स्पेस है इसके अंदर, ठीक है भाई एवरेज स्पेस है, अगर ये कम लगे मेरे भाई तो आप ना ऐसा भी कर सकते हो इसको हटा के यहाँ सामान रख सकते हो भाई, वेनमस भी आ जाएगा यहाँ तो परफेक्ट।
और यहाँ पे एक मिनट खोली उसको, नीचे एक पेट्रोल वाला लीडर, पेट्रोल के लिए भाई फिर उतरना ही पड़ता है क्योंकि ये तो पुरानी स्कूटी है। ये क्या चीज़ है, इतना बड़ा ये डिब्बा सा जो है, इसके अंदर बैटरी रखी हुई है। ओके बैटरी है, सिंपल है, अंदर मतलब कुछ है नहीं ज्यादा खास। हाँ, उसके मतलब बहुत मिनिमलिस्टिक सा। उसके अलावा ये जो ये है भाई, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सामान टांग सकते हो। कैसे निकलता है बाहर? अब अंदर मतलब ये सही है, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा इसके अंदर। और ये क्या चीज है डीडी, ये सामने वाली, ये सर्विस करने के लिए है, खोल के कुछ अपना उतरे हम लगाते हैं। और एक बार ये भी खोल के दिखा दे भाई सबको, ये कैसे खुलती है आइटम, इसको ऐसे दबा दो भाई, ये इसके अंदर बटन है, ये टूल किट पड़ी है इधर की तरफ, ये क्या फर्स्ट एड है, पेपर पेपर होंगे है ना, पेपर ठीक है भाई, मतलब नॉर्मल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। उसके अंदर हैंड ब्रेक भी नहीं है, हेलमेट पकड़े एक बार, हैंड ब्रेक बोले तो भाई यहाँ पे जो रहता है हैंड ब्रेक भी नहीं है ना उसके अंदर, अगर ढलान वलान पर खड़ी करनी पड़ जाए तो वहाँ पे भी आफत हो जाएगी। तो ओवरऑल ठीक है भाई, ओके ओके स्कूटी है, नहीं है ना, वैल्यू फॉर मनी नहीं है कि ठीक है भाई। देखो ऐसा कुछ, इसका एक ओनरशिप रिव्यू था, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, अपने पास थी और मैंने कहा थोड़ी यूनिक सी भी है, ज़्यादा लोगों के पास ये मिलती भी नहीं है, रेयर चीज़ आएगी है ना, तो मैंने कहा थोड़ा बना के ही तो ली थी यार ये। हाँ। मगर परेशान नहीं कर रही, देख पर्सनली अगर तेरे को बोला जाए तो है ना, परेशान नहीं कर रही, सही चल रही है, अपना अपने अकॉर्डिंग ठीक चल रही है, एवरेज पावर टाइम काट रही है ये। हाँ टाइम काट रही है ये, ठीक है, अब स्कूटी चलाने का भी टाइम नहीं रहा तेरा है। हाँ मतलब अब तो है, वो तो चलाएगा ये, मैं इसको प्रेफर नहीं करता हूँ, मतलब कहीं आसपास में जाना हो ना लोकल वगैरह में, हाँ, तो वहाँ पे ठीक है, अगर लॉन्ग कहीं जाना हो तो उसके लिए ठीक नहीं है ना। नहीं, तुम सोच रहे हो मैं इसको पहाड़ी पे चढ़ा दूंगा, ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। बाकी देख लो भाई कैसी लगी, कैसी लगी वीडियो, आप लोग मेक श्योर कमेंट डाउन बिलो। एक बार मुझे ये बता दे कि इसको बोलते क्या है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है भाई, इसकी कंपनी की मेरे को भी नहीं पता ये यार, कमेंट में पूछ ले इसको, कमेंट में क्या लोग बोलेंगे, टाइप कर देंगे स्पेलिंग देख के, नहीं हिंदी में लिख देना, हिंदी में समझ जाऊंगा, हिंदी में लिख देना भाई, पता नहीं क्या प्रोनाउंस करते हैं इसको, प्रॉपर पता ही नहीं है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, प्लीज चलें फिर, चलो भाई।